हेलो गाइस, काजल के किचन में आपका स्वागत है। तो मैंने ये कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। मैंने इसके अंदर डाला है एक से थोड़ा सा कम मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो सामान है वो सब डालूंगी, आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं आज बना रही हूँ भिंडी। आपको पता है भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। जो हम गोल गोल तरह के भिंडी काट के बनाते हैं ना, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगती थी। मैं कभी भिंडी खाते भी नहीं थी। जब से मैंने ऐसे एक बार ट्राई किया है ना, भिंडी को मतलब धो के और फिर इसके चार हिस्से करके फक करके मैंने इसको कट करा हुआ है, और बहुत अच्छा ये लगता है खाने में, बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए प्याज। मैंने एक प्याज लिया है, इसको ऐसे फाइनली चॉप किया हुआ है। एक और एक हाफ मैंने टमाटर लिया है, इसको काट करके रख लिया है। और इसके लिए मैंने लिए मसाले, नमक, हरा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, जितनी आप खाते हैं उसके स्वाद के अनुसार आपको लेना है। और ये हमने लिया है थोड़ा सा भिंडी के अंदर खट्टापन आने के लिए, जो हमने लिया है वो लिया है ये अमचूर पाउडर। यहाँ पे थोड़ी सी हमने हींग ली है और ये जीरा लिया है। तो गाइस, चलते हैं हम अपने आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे तो मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। इसके हम डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे को थोड़ा सा हम भूनेंगे। जीरा हमारा भून गया है गाइस। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने जो काटी हुई थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। गाइस, हमें प्याज को हल्का सा ही 5 मिनट ही सौते करेंगे। जब इसको 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये हल्का सा अब इसका जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्वाद का। तो गाइस देखो, थोड़ी सी देर बाद ही मैं इसके अंदर जो है ये जो कटी हुई है, मैं आपको देख रहे ना, एक भिंडी के मैंने चार हिस्से किए हुए हैं, इतना इसका ये कटिंग है। तो हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी भिंडी। गाइस, प्याज को और भिंडी को ऑयल में ऐसे करके फ्राई करना है। जब तक ये थोड़ी सी करारी नहीं दिखती हम इसको फ्राई करेंगे। गाइस, जो इसके अंदर है ना, जो एक इसका चिकना चिकना सा भिंडी का निकलता है, आप लोगों को पता होगा, जब तक वो इसके अंदर समा नहीं जाता है अच्छे से, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आगे की वीडियो में आपको बाद में दिखाती हूँ। देखो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो भिंडी के अंदर जो ये चिकनापन निकल रहा है ना, ये तार तार से आपको दिख रहे हैं, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, इस चीज़ को। हे गाइस, तो मुझे भिंडी भूनते हुए 4 या 5 मिनट हुई है, और देखो ये थोड़ा रेड रेड सी क्रिस्पी सी हो गई है। और इसके अंदर जो मैंने प्याज डाली थी वो अब जाके भिंडी के साथ ही फ्राई अच्छे से हुई है, इसलिए मैंने पहले जो प्याज डाली थी उसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं किया था, ना उस प्याज को लाल किया था। तो अब जो है मेरा जो ये भिंडी के अंदर जो मैं आपको दिखा रही थी चिकना चिकनापन था, जो एक एक तार जो आती है भिंडी के अंदर बनाते टाइम, वो नहीं आ रही गाइस। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे कटे हुए। गाइस, आप बोलोगे कि भिंडी में टमाटर कौन डालता है। गाइस, मेरे कहने पे एक बार आप भिंडी के अंदर टमाटर डाल के बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और देखो इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है, जब इसका देखने में कलर इतना प्यारा आ रहा है तो खाने में कितना टेस्टी लगेगी। तो गाइस, जो मैंने आपको मसाले बताए थे, अब मैं इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जो दिखता है वही बनता है काजल के किचन में। गाइस, आपको पता ही है कि भिंडी हमारी बॉडी के लिए कितनी अच्छी है। गर्मियों में खाने में हरी वेजिटेबल्स कितना अच्छा होता है,
तो इसको प्लीज़ जैसे मैं बना रही हूँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत ज़्यादा। आप यकीन मानिएगा मैं कभी भी भिंडी नहीं खाती थी, और जब से मैं ऐसे करके भिंडी बनाने लगी हूँ ना तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। गाइस इसको अच्छे से भिंडी को हम भूनेंगे। भिंडी को हमको गाइस जब तक भूनना है जब तक जो इसका जो मसाला है सारे में मसाले का फ्लेवर ना आ जाए। अच्छे से भूनेंगे इसको दो तीन मिनट, क्योंकि घर की लेडीज़ को इतना टाइम नहीं होता जो वो किचन में ही खड़े रहे इतनी गर्मी में भी। हम जल्दी जल्दी अपना काम करके कम समय में अच्छा खाना खाना किसको पसंद नहीं होगा, तो इसलिए कम समय में कम चीज़ों में अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। गाइस आप भी ऐसे ट्राई करिएगा, कितना अच्छा लग रहा है देखो, भिंडी का कलर, भिंडी के अंदर जो टमाटर मैंने डाले हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस ये नीचे ऐसे लगने लग गया है, जब ये ऐसे हो जाए तो समझो इसको हम ऐसे करके फ्लेम को लो करेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। तो गाइस हमने ऐसे इसको ढक दिया है, ढकने के बाद इसको 15 या 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये पकी है या नहीं पकी है। तो गाइस अभी मैं आपको इसको बाद में दिखाती हूँ कि क्या होता है। तो गाइस हम देखते हैं कि भिंडी का क्या हाल है। देखो गाइस भाप में ये पक रही है अच्छे से, और अच्छे से ये पक रही है, देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छा, वाओ। गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो YouTube पे दूसरी सेकंड वीडियो होगी जो मैं आपको डालूँगी, आपके पास जो अपलोड करूँगी अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ और एक हाथ से ये ऐसे ऐसे आपको चलाना बता रही हूँ, और बता रही हूँ क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना है। मैं अभी नई हूँ गाइस अपने यूट्यूब पर, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ करने में। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बनाऊंगी। तो गाइस जब ये थोड़ा पक जाएगी हम ऐसे दबा के देखेंगे इसको, जब ये पकने लगे ना गाइस तो गैस की फ्लेम को तेज करना और जो इसका सारा पानी वगैरह है ना भिंडी का उसको उड़ा देना, और फिर ऐसे चला चला के इसको करारी करनी है। ये ना इसके तलवे पे चिपकेगी तो इसको चिपकने नहीं देना है हमको, अच्छे से इसको ऐसे करके हिला हिला के इसको चलानी है ताकि ये लगे ना, अगर लगेगी तो गाइस जल जाएगी। तो इसीलिए भी पकी नहीं है, अच्छे से देखो गाइस कितना प्यारा है कलर इसका भिंडी का। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो आपको एक साइड में रेड बटन दिखता है उसको प्रेस करिएगा। थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी, लव यू लॉट।